दोस्तों इंडिया में 80% बच्चों का क्रिकेटर बनने का सपना तो इस बात से टूट जाता है कि क्रिकेटर बनने के लिए लाखों रुपए लगते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा भ्रम है जो एक ही पल में लाखों बच्चों का क्रिकेटर बनने का सपना तोड़ देता है। दोस्तों इसी गलतफहमी की वजह से जो बच्चे टैलेंटेड भी होते हैं ऐसे बच्चे क्रिकेटर बनने का सपना छोड़ देते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इंडिया के कुछ ऐसे क्रिकेटरों के बारे में जो पहले बेहद ही गरीब थे, जिनको ठीक से दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे खिलाड़ी इंडिया के लिए खेल गए। दोस्तों यह वीडियो देखने के बाद आपको अंदर से क्रिकेटर बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, आपको अंदर से जुनून आ जाएगा। दोस्तों इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा ताकि आप लोगों को क्रिकेटर बनने के लिए मोटिवेशन मिल सके और आप लोगों की ये गलतफहमी दूर हो जाए कि क्रिकेटर बनने के लिए लाखों रुपए लगते हैं। दोस्तों इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा और अगर आपको लास्ट में वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त वीरेंद्र यादव, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ माई क्रिकेट सपोर्ट में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं भारत के युवा स्पिनर रवि बिश्नोई के बारे में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रवि बिश्नोई जिस जगह से बिलोंग करते हैं वहाँ पर कोई एकेडमी नहीं थी, वहाँ से लोग क्रिकेटर बनने का सपना भी नहीं देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों रवि बिश्नोई के आसपास कोई भी क्रिकेट एकेडमी ना होने के बावजूद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी, उन्होंने कभी क्रिकेटर बनने का सपना नहीं छोड़ा। दोस्तों रवि बिश्नोई ने अपने दोनों कोच के साथ मिलकर एक ज़मीन को रेंट पर लिया और उस ज़मीन पर सीमेंटेड विकेट बनाने लगे ताकि वो लोग उस सीमेंटेड विकेट पर प्रैक्टिस कर सकें। लेकिन दोस्तों उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो लोग लेबर लगाकर या मजदूर लगाकर उस सीमेंटेड विकेट को बना सकें, इसलिए दोस्तों रवि बिश्नोई खुद अपने कोच के साथ मिलकर उस सीमेंटेड विकेट बनाने के लिए मजदूरी का काम किया करते थे, एक लेबर का काम किया करते थे ताकि वो लोग सीमेंटेड विकेट बना सकें और वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकें। दोस्तों रवि बिश्नोई ने उसी सीमेंटेड विकेट पर प्रैक्टिस करते करते अपने आप को पका लिया, अपने खेल में पूरी तरह से निखार ले आया और दोस्तों उनकी मेहनत रंग तब लाती है जब उनका सिलेक्शन आईपीएल में हो जाता है। दोस्तों आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद उनका सिलेक्शन इंडियन टीम के लिए भी हो जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं भारत के तेज गेंदबाज टी नटराजन के बारे में। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि टी नटराजन के परिवार की स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उनको घर घर जाकर दूध बेचना पड़ता था और न्यूज़पेपर बेचना पड़ता था। दूध और न्यूज़पेपर बेचने के बाद जब उनको समय मिलता था तब वह प्रैक्टिस किया करते थे। दोस्तों प्रैक्टिस करने के बाद वह शाम को अपनी माँ के साथ चिकन की दुकान पर चिकन भी बेचा करते थे। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि टी नटराजन ने पहली बार 20 साल की एज में सीजन बॉल से खेलना स्टार्ट किया था। दोस्तों जब कोई खिलाड़ी दूध बेचकर या न्यूज़पेपर बेचकर या चिकन की दुकान पर काम करके इंडिया के लिए खेल सकता है तो फिर आप क्यों नहीं खेल सकते। दोस्तों अब बात करते हैं भारत के तेज गेंदबाज उमेश यादव के बारे में। उमेश यादव एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे, उनके पिता एक कोयले की खान में काम किया करते थे, लेकिन उनके पिता के अकेले की कमाई से उनके घर का खर्चा नहीं चल पा रहा था, जिसकी वजह से खुद उमेश यादव को कई बार मजदूरी करनी पड़ी थी। दोस्तों मजदूरी करने के बाद जब भी उनको समय मिलता था तब वह क्रिकेट को अपना सारा समय देते थे, वह सारा समय अपना प्रैक्टिस में लगाते थे। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि उमेश यादव पहली बार 19 साल की एज में सीजन बॉल से खेलना स्टार्ट किया था, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे मेहनत करने के बाद उनकी मेहनत रंग लाती है, उनका सिलेक्शन उसके बाद आईपीएल में होता है, उसके बाद आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद उनका सिलेक्शन इंडिया की टीम में हो जाता है। दोस्तों जिस खिलाड़ी के पास प्रैक्टिस करने के लिए पिच नहीं थी वो खिलाड़ी इंडिया के लिए खेल सकता है। दोस्तों जो खिलाड़ी न्यूज़पेपर या दूध बेचकर या चिकन बेचकर इंडिया के लिए खेल सकता है और जो खिलाड़ी मजदूरी कर इंडिया के लिए खेल सकता है तो फिर आप क्यों नहीं खेल सकते। दोस्तों पता ये लोग इंडिया के लिए क्यों खेल गए, क्योंकि उनको अपने टैलेंट के ऊपर विश्वास था, इन्होंने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया कि क्रिकेटर बनने के लिए लाखों रुपए लगते हैं। अगर ये लोग भी लोगों की बातों को सुनकर ये मान लेते कि क्रिकेटर बनने के लिए लाखों रुपए लगते हैं तो शायद ये लोग आज इंडिया के लिए ना खेल पाए होते। इसलिए आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने टैलेंट के ऊपर विश्वास रखें और आप लोग ये ना सोचें कि क्रिकेटर बनने के लिए लाखों रुपए लगते हैं। दोस्तों अगर आपके अंदर टैलेंट होगा, आपके अंदर क्रिकेटर बनने का जुनून होगा तो आप लोग भी एक दिन क्रिकेटर जरूर बनोगे। दोस्तों शुरुआत में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपको वहाँ पर हार नहीं मानना बल्कि उसका डटकर सामना करना है। अगर आप लोग लगातार डेडिकेशन के साथ मेहनत करोगे, पूरे विश्वास के साथ मेहनत करोगे तो फिर आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो फिर दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सा भी मोटिवेशन मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।